हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल। आज आपको भारत की एक प्रमुख धार्मिक नगरी की सैर कराता है। जी हाँ, महाराष्ट्र में एक शहर है नासिक। नासिक वो स्थान है, जब अमृत मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के माध्यम से जो अमृत के लिए मंथन हुआ था पूरा, तो समुद्र मंथन से बहुत सी चीज़ें निकली, उसमें अमृत का भी कहते हैं कि मंथन से अमृत निकला। तो अमृत का जो कलश निकला था, उससे देवताओं और राक्षसों के बीच में एक लड़ाई छिड़ी। उसी छीना झपटी में अमृत की बूंदें भारत में चार जगह पे गिरी। एक प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद, मध्य प्रदेश का उज्जैनी, उत्तर प्रदेश का हरिद्वार और महाराष्ट्र का नासिक। जी हाँ, यहाँ हर 12वें साल में कुंभ का मेला लगता है। पवित्र गोदावरी नदी है। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से नासिक की कथा सुनाता हूँ। नासिक में भगवान राम को जब 14 साल का वनवास हुआ था, तो लगभग 2.5 साल वो नासिक में रुके थे। नासिक में उन्होंने अपना जीवन बिताया। आज का जो नासिक है, तो ये तो शहर है, मॉल हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, आलिशान गाड़ियाँ दौड़ रही हैं फर्राटे से, लेकिन उस समय यहाँ सिर्फ जंगल था। उस जंगल में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने और सीता जी ने निवास किया, जो झोपड़ी बनाई। उस जंगल में झोपड़ी की याद या पहचान के लिए उन्होंने 5 बरगद के वृक्ष रखे थे, आज जो विशालकाय वृक्ष हैं। और ये स्थान कहलाता है, गोदावरी नदी से लगा हुआ है, गोदावरी के घाट से, ये कहलाता है पंचवटी। क्योंकि जंगल था, जंगल में चले जाते थे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए, फल फूल लाने। सीता जी रहती थी कुटिया में, तो कुटिया में भटकना ना पड़े, उसकी पहचान के लिए उन्होंने 5 बरगद के पेड़ लगाए थे, जो आज विशाल वृक्ष हैं, पंचवटी कहलाते हैं। इस पंचवटी में ही कुटिया है, उसमें गुफा बनी हुई है जिसमें से आप जाते हैं और निकलते हैं। बताया जा रहा कि सीता जी के समय की है। उसके सामने रोड क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे सीता हरण के बढ़िया दृश्य बने हुए हैं। रावण हैं, सीता जी भिक्षा दे रही हैं, रावण भिक्षक के रूप में आया है। यहाँ से सुनते हैं, यहीं वो आया था। और इसके थोड़ा आगे जाने पे एक पुल बना है, उसके नीचे पानी बहता रहता है, उसको कहा गया लक्ष्मण बेटा। ऐसा कहा जाता है कि जब लक्ष्मण जी गए थे रामचंद्र जी को ढूंढने, तो उन्हें लक्ष्मण रेखा की थी और कहा था कि सीता जी से आप इसको पार नहीं करना। तो जब रावण आया, चूँकि रावण कपटी था, छल कर रहा था, तो वो नदी जो थी, पानी की जो धारा थी, वो आग की लपटें उसमें निकल रही थी। और दूसरा कोई आ रहा था, जो कोई ईमानदार था, तो वो निर्मल फूलों की घाटी टाइप था, तो वो कहलाती है लक्ष्मण रेखा। उसके बाजू में ही, जैसे ही उसको अपन क्रॉस करते हैं उस पुल को, बाएं हाथ पे एक स्वयंभू हनुमान जी हैं, ऐसा बताया जा रहा 5,000 साल पुराने हैं। इनका कोई मूर्ति बनाई नहीं गई, अपने आप आई है, लंबी खड़ी मूर्ति हनुमान जी की, 11 फुट की हाइट है। और खासियत है उसकी कोई फोटो नहीं है, ना फोटो उतारने देते हैं, ना मार्केट में कोई फोटो है। हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही एक छोटी सी कुटिया है, यहीं पे रावण आया था, यहाँ उसने भिक्षा मांगी थी। और यहाँ जब वो सीता जी अपनी कुटिया से निकल के आई थी लक्ष्मण रेखा पार करके, तो यहाँ रावण ने अपहरण किया था। ये सीता हरण जो हुआ है, वो यही हनुमान जी के सामने है। फिर इसके आगे से एक रास्ता गया है, तो उसमें विष्णु भगवान का मंदिर है, जहाँ जो कुंभ होता है तो साधु संतों के लिए ठहराया जाता है। उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो आपको बाएं हाथ पे मिलेगा, जाते थे दाएं हाथ पे गोदावरी का तट है, गोदावरी बह रही है, लेकिन वो गोदावरी नदी जो है वो आज पूरी तरह से सूख गई है, उसमें जलकुंभी लगी है, धार निकल रही है, आपके पंजे ही डूबेंगे, कोई ज़्यादा पानी नहीं है। और सामने जो है लक्ष्मण जी का मंदिर है, यहाँ एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पे बताया जाते हैं कि इस वृक्ष में यहाँ लक्ष्मण जी चिंतन मनन करते थे, तपस्या करते थे, और यहीं पे सूंप नखा ने उनको रिझाने का प्रयास किया,
रामचंद्र जी, रामचंद्र जी ने कहा मैं तो विवाहित हूँ, आप जाइए मेरे भाई से बात कीजिए। और लक्ष्मण जी से करा तो लक्ष्मण जी ने यहाँ पे रूपनखा की नाक काटी थी और उसके स्थल को बना रहे हैं, वहाँ पे मूर्तियाँ उर्तियाँ लगाई जा रही हैं मंदिर के सामने। और वो जो नाक काटी थी सामने गोदावरी में ले जाके लक्ष्मण जी ने वो नाक उसको फेंक दी थी। इसलिए फेंकी थी कि इस नाक को रूपनखा हमेशा नकटी बनी रहे कि नाक में जुड़ ना सके, क्योंकि उस समय शल्य क्रिया भारत में बहुत एडवांस थी, तो सर्जरी ना करा सके कहीं वैद्यों से, ये महिला जो है रूपनखा अपनी नाक को फिट ना करा ले। उसको दंडित करने के लिए उन्होंने गोदावरी में नाक उसकी बहा दी थी और तभी से इस स्थल का नाम जो है पंचवटी जंगल जो था पूरा, इसका नाम पड़ा नासिक, नासिका से नासिक। यहीं से पास में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जिसमें जो करीब लगभग 25 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, त्र्यंबकेश्वर कहलाता है। इस शिवलिंग की भी एक अच्छी कहानी है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर है, इसमें भगवान शंकर जी की शिवलिंग है और वो जलधि है, उसी में पानी आता रहता है, कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं है, पंडित लोग उसको करते हैं, पूजा होती रहती है। उसमें छोटे छोटे एक शिवलिंग है, साथ में ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी, तीनों देवताओं का एक इकलौता मंदिर है। ब्रह्मा विष्णु महेश विश्व की तीन शक्तियाँ एक साथ हैं, इसलिए इसको त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है। ये धार्मिक कथा है नासिक की। इसके साथ नासिक एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे है, यहाँ गन्ना अंगूर की बहुतायत में खेती होती, कैश क्रॉप बेर की खेती होती है। और पास में ही रत्नागिरी के जो हाफूस आम है आजकल नासिक में भी हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ी मंडी है नासिक जो है, औद्योगिक क्षेत्र भी है, कई इंडस्ट्रीज भी हैं, मुंबई और नासिक हाईवे पूरा इंडस्ट्री से लगा हुआ है। आपको